दोस्तों आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सियाब भाई के बारे में। लोग पहले हज के लिए जाया करते थे तो पैदल ही अपना सफ़र करते थे। महीनों का सफ़र मुफीद होता था। दौरान सफ़र लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे और यह सफ़र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, साइंस तरक्की करती गई, इंसान के लिए सफ़र करना बहुत ही आसान हो गया। अब इंसान हजारों मीलों का सफ़र चंद घंटों में पूरा कर लेता है। लेकिन आज के दौर में एक शख्स ऐसा भी है जो पैदल हज करने के लिए घर से निकल गया है। उसे घर से निकले हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और वो अल्लाह के घर की तरफ रवा दवा है। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से सियाब चतुर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारी तमाम पिछली वीडियोस में हमने बताया है सियाब भाई को पैदल हज के सफ़र में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी सियाब भाई राजस्थान में है और राजस्थान के हालात ऐसे हैं कि बारिश का दौर जारी है। इसी वजह से सियाब भाई को काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सियाब चतुर के साथ ऐसा वाकया रहनुमा हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। गैर मुस्लिम ने उन्हें अपनी नफरत का निशाना बनाना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे को किस तरह से मदद फरमाई है आप इस वीडियो में जरूर देखें। दोस्तों भारतीय मीडिया तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सियाब के साथ जो मामला दरपेश आया है उसने भारत में तहलका मचा दिया है। इस वाक्य को हकीकतें जानने के लिए देखिए हिंद इस्लामिक चैनल और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई मजीद वीडियो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। दोस्तों सियाब चतुर को अपना सफ़र तय करते हुए आज 70वां दिन हो गया है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं सियाब भाई की करंट लोकेशन क्या है। सियाब की करंट लोकेशन राजस्थान में अजमेर के आसपास की है। जैसा कि आप जानते हैं सियाब भाई केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना सफ़र केरल से शुरू किया था और वो राजस्थान में वाघा बॉर्डर पंजाब के रास्ते होते हुए पाकिस्तान ईरान इराक फिर कुवैत के रास्ते सऊदी अरब पहुँचेंगे और अपना हज 2023 मुकम्मल करेंगे। वो जिस रास्ते से गुजरते हैं लोग उन्हें दिल से खुशामदीद कहते हैं। उम्मत मुस्लिमा में शोहरत हासिल करने वाला ये शख्स बहुत ही बहादुर इंसान है और पेशे से वो डॉक्टर हैं। बहुत ही बहादुरी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अपने सफ़र मक्का को वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। जिसने खुदा की खुशी और दीन से मोहब्बत की खातिर अपने बच्चों को छोड़कर इस पाक सफ़र को तरजीह है, सियाब भाई के साथ उनके घरवालों की नहीं बल्कि तमाम मुसलमान की दुआ साथ है। लेकिन हिंदुस्तान में आज का दौर हिंदू मुस्लिम विवादों पर रहता है। ईजाद का मसला हुआ, नकुल शर्मा का मामला हुआ जिसने कई नबी की शान में गुस्तगु की है। वो छोटे बड़े मामले दरपेश आते रहते हैं जहाँ इंतहाई पसंद मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। और इन सब की शुरुआत बाबरी मस्जिद से हुई। कुछ अरसा पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए, अजान को लेकर प्रोपेगंडा शुरू हुआ। अजान की आवाज़ पर पाबंदियां लगाने की गुहार इंडियन गवर्नमेंट से की गई। सोन निगम का नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है। सियाब का अपने घर से निकलना हज की मकबूलियत हो जाता है तो गैर मुस्लिम को यह पसंद नहीं आ रहा है। शायद उन्हें लग रहा है कि सियाब मुसलमानों के लिए मिसाल बन जाएगा और आगे भी लोग इसी तरह से जाते रहेंगे और इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। किसी तरह इस्लाम पर रोक लगाना चाहते हैं ताकि इस्लाम तरक्की ना करे, हमारा मुसलमान तरक्की ना करे। तो दोस्तों जो लोग अभी हज के सफ़र को मजाक बनाए हुए हैं और वो कह रहे हैं अब हज पर जा रहे हैं, ना उनके पास पासपोर्ट है, ना उनके पास वीज़ा है, ना उनके पास परमिशन है, तो लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास परमिशन है, पासपोर्ट, वीज़ा है तो आप बेशक हज के सफ़र पर जाएँ। इससे इस्लाम का नाम ऊँचा होगा, मुसलमानों का नाम ऊँचा होगा। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो आप इस तरह का मजाक इस्लाम का न बनाएं। इस पर लोग हंसते हैं, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इस्लाम को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बेशक हज पर जाएं लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे।